राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज इन्फॉर्मेशन है, आपने जो एमपीटेट 2 का एग्ज़ाम दिया था, सभी की जो रेस्पॉन्स की है वो आ चुकी है। तो आप लोग चाहें अपनी रेस्पॉन्स की गूगल पर सर्च पर डालें, ESB एम्प्लॉई सेलेक्शन बोर्ड डालेंगे, क्लिक करेंगे, जो सबसे पहले वेबसाइट दिखेगा, लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ से इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे तो आप अंदर पहुँच जाएंगे और अंदर आप देखेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन। आंसर ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, मिडिल एंड प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जो पात्रता परीक्षा है उसके पेपर या रेस्पॉन्स की डाल दी गई है। यहाँ आप क्लिक करेंगे लिंक पर तो आप पहुँच जाएंगे मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पहुँच जाएंगे जो रेस्पॉन्स की है। रेस्पॉन्स की यहाँ से कैंडिडेट डाउनलोड कर सकते हैं। TAC कोड नीचे और ऊपर, रोल नंबर डाल के, इन दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करें। देन अब इसमें इंफॉर्मेशन की बात ये है कि यदि आपके 70 प्लस मार्क्स हैं या आप बाउंड्री पर हैं तो आपको क्या करना है, आप कैसे अंदर हो सकते हैं, आपके अंदर होने का जो चांस होगा। जैसे मान लो आपके जो ऑप्टेंड मार्क्स हैं, आपके ऑप्टेंड मार्क्स हैं 73, ये नंबर आपको मिला है और आपको लग रहा है आप दो नंबर से फेल हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, आपका 150 का पेपर है और आपको पता है 150 में से 50% मार्क्स आपको चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, 150 का 50% क्या होगा, 75 क्वेश्चंस, और आपके कितने आए हैं, 73। यदि आपको ये पता चलता है, और ऐसा हुआ भी है कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, खास तौर से मैथ्स में और साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। पिछली बार जो रिजल्ट उनने फाइनल जब पेपर डाले पड़े हुए हैं, आप वेबसाइट पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनने गलत किए हैं, कैंसिल किए हैं। जब क्वेश्चन कैंसिल होंगे, एक पेपर में 8-10 इस तरह के क्वेश्चंस कैंसिल किए हैं, सपोज करो अगर ये घटके 150 से ये घटके बचा 140, ये 140 बचा, अगर ये 140 होगा तो आपका जो पासिंग होगा इसका 50% कितना हो जाएगा, 70, जबकि आपके कितने हैं, 73। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चंस को देखें। अब आपको कैसे पता चलेंगे, आपको नहीं पता चलेंगे, तो उसके लिए हैं हम लोग, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी लोग, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि आपके लिए वो पेपर सॉल्व करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कितने क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट किया जाए व्यापम के सामने सॉल्यूशन देकर। तो आप लोग जो बाउंड्री पर हैं वो, और जिन लोगों से पेपर में कुछ गलतियां हुई हैं या 60 के प्लस में जो लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी गलतियों को देखें, उनने कहाँ गलतियां की थी और कहाँ उनमें सुधार किया जा सकता है। आप टीचर बनने वाले हैं और टीचर बनने में जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन आप समझते हैं, मूल्यांकन सुधारात्मक ज़्यादा होता है, तो सिर्फ अंकों से ना देखकर आप उसमें सुधार से ज़्यादा उसको देखें, तो किन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है आप उन्हें सुधारें, और जल्दी ही फिर से पात्रता परीक्षा होगी जो आपको क्वालिफाई करनी है, और सीटेट भी अभी वो भी आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको हताश और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, आप भी उससे सीखें। ऐसा नहीं हो कि मेरे 67 थे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, आप उसे देखें, सीखें उसमें क्या क्या चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको पेपर हमें फॉरवर्ड करना है कि हम उसको एक बार देखें, उस पर निगाह लगाएं, तो आप पेपर को फॉरवर्ड कर सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ जाकर आप वो पेपर डाल सकते हैं। यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा पेपर है पर्सनल है वो मैं नहीं डाल सकता, तो आप उसको पर्सनल भेज दें, ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि वो आपका पेपर या जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल रहे, वैसा हम जरूर करेंगे। पेपर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना है, कहां पर कांटेक्ट करना है, वो जगह हम आपको बता देते हैं। आप कॉल या मैसेज इस पर कर सकते हैं 6267373075, या
इस पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल होगा, वहाँ भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं यदि कॉल पिक नहीं हो पाता है तो। यदि आपका पेपर आपके पास आ जाता है आप इस पर फॉरवर्ड कर दें, हम उसको अंदर देखकर बताएंगे उसमें कितने क्वेश्चन हमारे एंड से हमें गलत दिख रहे हैं। दूसरा नंबर, सिक्स टू सिक्स सिक्स थ्री थ्री सेवन वन सेवन थ्री, पहला नंबर 6267373075, इस पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप अपना जो पेपर है यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, कहीं पर भी आप भेज सकते हैं। ये ऑफिशियल नंबर है, इसका टेलीग्राम भी अवेलेबल है, इसमें टेलीग्राम शायद हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन व्हाट्सएप अवेलेबल रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी रेस्पॉन्स की देखें और बताएँ हम आपके लिए इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। तो फिलहाल इस जो अभी है इन्फॉर्मेशन में इतना ही है, आप जुड़े रहेंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को।